सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड। ऑलरेडी हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर लिया है, तो अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर देख सकते हैं जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है वो आज का हमारा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मींस राष्ट्रीय आय जब निकालते हैं, हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहली वर्ड आ रहा है यहाँ पर हमारा नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए नेशनल इनकम होती क्या है, राष्ट्रीय आय होती क्या है। देखिए एक चीज़ बता दूँ, हमारे ईयर का जो सेशन चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग ईयर है। मतलब जैसे 2018 में चालू हुआ है तो कब खत्म होगा, 31 मार्च की 2019 को, जैसे आपके स्कूल चलते बेसिकली, है ना। तो होता क्या है, हमारे देश में 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच जितनी भी हमने इनकम जनरेट करी होगी, चाहे इंडिया के बाहर से इंडिया ने या इंडिया में, उस टोटल इनकम के जोड़ को बोलेंगे बेसिकली क्या, हमारे देश की नेशनल इनकम। ये बेसिक समझाने के लिए था एक साल की। और अगर मैं इन ईयर को हटा दूं तो हर साल हमारा देश 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जितनी भी इनकम अर्न करता है टोटल, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है कि नेशनल इनकम निकालते वक्त दो चीज़ कंसिडर की जाती है। एक तो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का मतलब होता है हिंदी में कारक आय, और दूसरी चीज नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स सामान्य निवासी। हम जब देश की नेशनल इनकम निकालते हैं, मीन्स राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो ओनली कंसिडर करते हैं फैक्टर इनकम को और नॉर्मल रेसिडेंट को। अब सबसे पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन तो समझ आ जाएगी कि इन अकाउंटिंग ईयर जितना भी हमने फैक्टर इनकम जनरेट की, ठीक है, फैक्टर इनकम जनरेट की थ्रू नॉर्मल रेसिडेंट, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। लेकिन व्हाट इज फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं वो समझते हैं। तो चलिए देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब देखिए फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमें अपने काम के बदले मिलती है। जैसे कि या तो आपने फैक्टर इनकम की बात हो रही है, जिसे हिंदी में कहते हैं कारक आय। अगर आपने अपनी ज़मीन दी है लैंड, तो उस पर आपको मिलेगा रेंट, तो दैट इज़ फैक्टर इनकम, जस्ट बिकॉज आपने क्या दिया इसको लैंड पे, जो आपने दिया है रेंट पे उस पे दिया है। अगर आपने लेबर यूज़ किया तो लेबर पे आपको मिलेगा वेजेस, इट इज़ ऑल्सो इनकम, काम के बदले मिल रही है। अगर आपने कैपिटल लगाई है तो कैपिटल पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम। और अगर आपने एंटरप्रेन्योरी मीन्स इंडस्ट्री लगाई है तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इनसे जो इनकम जनरेट होती है उन्हें बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो जितने भी लोगों ने कुछ दिया है उसके बदले कुछ अर्न किया है, वो सारी इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम, कारक आय। कोचिंग में मैंने जाकर बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, उस पढ़ाने के बदले मुझे इनकम मिली, तो वो मेरी क्या है, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम वो है जो आपको अपनी गुड्स और सर्विसेज के बदले पुरस्कार के रूप में मिलती है बेसिकली, है ना। सो दैट इज़ योर फैक्टर इनकम। वही ट्रांसफर इनकम की बात करूँ, इसे हिंदी में कहते हैं हस्तांतरण आय, वो एक ऐसी इनकम होती है जो बिना काम के मिलती है। अब बिना काम के मिलने का मतलब है, पहली चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोचिंग से पैसा आ रहा है, मतलब मेरी फीस आ रही है, क्या वो मुझे काम के बदले है या बिना काम के बदले मिल रही है, वो मुझे काम के बदले मिल रही है, तो वो मेरी कारक आय है। वही हस्तांतरण आय की बात करूँ ट्रांसफर इनकम की, आपने सुना होगा स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलती है स्कूल में, तो जब स्कूल में उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, क्या उन्हें काम करने के बदले मिलती है। अब ये मत बोलना आप लोग कि हाँ पढ़ना एक काम है, ठीक है, एक्चुअली क्या वो आपको बिना काम के मिल रही है, आपको हेल्प की जा रही है, तो वो एक तरह की क्या है, ट्रांसफर इनकम है, जिसको नेशनल इनकम अकाउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बता दूं आपको, नेशनल इनकम में ओनली फैक्टर इनकम को काउंट किया जाता है, इसकी ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। दूसरा एक और ट्रांसफर इनकम का एक एग्जांपल ले सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है किसी व्यक्ति को, मींस वो 60 एज अबव हो गए हैं, तो उन्हें जो काम, उन्हें एज की वजह से पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन, वो उनकी क्या है, हस्तांतरण है। बेसिकली आपके पॉकेट मनी कह सकते हो हस्तांतरण आया, क्योंकि ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि वो आपको काम के बदले नहीं मिल रही है। तो जो इनकम भी काम के बदले मिलती है वो तो होती है फैक्टर इनकम, और जो बिना काम के बदले मिलती है वो क्या होती है, ट्रांसफर इनकम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो ध्यान रखना, और फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड करते हैं
ट्रांसफर को नहीं करते हैं। उसके बाद नॉर्मल रेजिडेंट सामान्य निवासी, देखिए यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब समझ लीजिए, नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति होता है जो एक साल या उससे कुछ अधिक समय के लिए उस देश में रह रहा है, ठीक है, एक साल या उससे कुछ अधिक समय के लिए रह रहा है, ठीक है, साथ ही उसकी आर्थिक रुचि, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी उसी देश में है, ठीक है, मतलब कमा भी उसी देश से रहा है, तो वो कहेंगे कि हमारे देश का क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए विराट कोहली मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक साल से इंग्लैंड में खेल रहा है मान लेते हैं, तो वो एक साल के लिए वहाँ का क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है, और उसकी इनकम उसकी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे कि यार जब वो एक साल से वहाँ है तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया तो क्या यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहा। देखिए आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है सिटीजनशिप, सिटीजन होना, नागरिक होना, और एक है रेजिडेंट होना, निवासी होना। निवासी और नागरिक में अंतर है, रेजिडेंशियल और क्या सिटीजनशिप में अंतर है। वो सिटीजन तो इंडिया का ही है लेकिन काम के पर्पज से बाहर है तो वो सिटीजन इंडिया का, लेकिन निवासी रेजिडेंस किसी और देश का है, ठीक है, तो वो उसकी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, क्लियर है। सो अब नॉर्मल रेजिडेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंट एक वो व्यक्ति होता है जो उस देश में रह रहा है, ठीक है, उसी देश में रुचि रखता है और कितने दिन से रह रहा है, एक साल से रह रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट। कोई बाहर का डॉक्टर, फॉरेन का मान लेते हैं, अमेरिका का डॉक्टर इंडिया में आ रखा है और एक साल से वो यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, अभी घर नहीं गया अपने, तो वो इंडिया का क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, सामान्य निवासी कहलाएगा। लेकिन याद रखना वो भारत का नागरिक नहीं है, नागरिक वो कहाँ का है, अमेरिका ही का है, ठीक है, शायद आपको आगे क्लियर होगा ये वाले टॉपिक में, किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में। अच्छा, हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ये पता होगा तभी आप आगे समझ पाएंगे नेशनल इनकम क्या है। और अच्छे से समझना क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है और सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से जो लगता है मुझे स्टूडेंट को वो टफ यही वाले चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3, जिसमें नेशनल इनकम काउंट करनी पड़ेगी और उसके फैक्ट्स। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे समझाने की। उसके बाद बात आती है डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है घरेलू सीमा। घरेलू सीमा क्या है, दिस इज़ इंडिया, मैप नहीं बना रहा हूँ लेकिन आप समझ जाइए। अब इंडिया है तो ये इसकी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, घरेलू सीमा है, नहीं। अब ये अमेरिका है, अमेरिका भी इसकी घरेलू सीमा हो सकती है। कैसे, आपने सुना होगा एम्बेसी, एम्बेसी सुना है, मीन्स क्या कहते हैं उसे हिंदी में, दूतावास है ना। और एक मूवी आई थी सलमान खान की, कौन सी, जिसमें वो मुन्नी को छोड़ने जाता है, तो वो हाँ भाईजान, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, वो मुन्नी गलती से कहाँ गई, पाकिस्तान की इंडिया में आ गई। अब इंडिया को छोड़ने जाना है तो इंडिया का क्या करना है, पाकिस्तान का एक ऑफिस इंडिया में खुला है। ऐसे हर देश का, हर देश में एक ऑफिस खुला होता है, ऑफिस को मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे होता है एम्बेसीज यूज़ करते हैं उसको, वर्ड यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ के लोग की हेल्प कर सके। जैसे इंडिया के लोग अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका में हमारा एक एम्बेसी खुली हुई है, जैसे ऑफिस कह सकते हो, तो वो इंडिया के लोगों की वहाँ मदद करता है। तो वो जो अमेरिका, ये अमेरिका है ध्यान रखना, उसमें इंडिया का जो ऑफिस खुला हुआ है, अभी मैं ऑफिस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, वो इंडिया का ऑफिस खुला हुआ है, वो इंडिया की क्या है, एक डोमेस्टिक घरेलू सीमा कहलाएगी, याद रखना। और अमेरिका का अगर इंडिया में खुला है तो वो किसकी कहलाएगी, अमेरिका कहलाएगी। पाकिस्तान का इंडिया में जो खुला हुआ है एम्बेसी, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। तो घरेलू सीमा का मतलब कौन कौन सी जिसके अंदर इनकम जनरेट हो रही है वो इंडिया की काउंट होगी। ऐसे ही हमारे मछुआरे क्या करते हैं, पानी में चले जाते हैं क्या करने, मछली मारने के लिए, तो वो जहाँ पे पानी में जा रहे हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारी एयरलाइंस दूसरे देश में उतरी है, ठीक है, जहाज, तो वो जहाज की सीमा क्या कहलाएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। और हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं ना तो डोमेस्टिक टेरिटरी को काउंट करते हैं, बाहर वाली को नहीं। इनकम निकालते वक्त डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम को ही लिया जाता है, घरेलू सीमा की इनकम को काउंट किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दो तीन चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिए। एग्जांपल के लिए अमेरिका में जो दूतावास है, एम्बेसीज है, ऑफिस है, उसमें हमारा एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो हमारे लिए काम कर रहा है वहाँ पे, वो इंडियन है, तो वो इंडिया का क्या है, एक सामान्य निवासी है इंडिया का, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो अमेरिकन काम कर रहे हैं उसके अंदर, उस एम्बेसी के अंदर, वो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। वहीं अगर इंडिया की एम्बेसी कहाँ पे है, जापान की, अमेरिका की, इंडिया में है,
तो उनके जो मेन हेड है वो तो उनका क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है उस कंट्री का, जापान का, अमेरिका का। लेकिन अगर इंडिया के अंदर जो जापान का ऑफिसर में इंडियन काम कर रहे हैं, वो क्या है भाई, हमारे ही कहलाएंगे, उनके नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था डोमेस्टिक टेरिटरी और उसके बारे में। ठीक है, आगे कुछ और फैक्ट समझेंगे हम इसी चैप्टर में। ठीक है, तो वेल आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम समझेंगे कि और क्या है इस टॉपिक में, और जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे क्या होगा और फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एम, बाय बाय।